पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अमर्यादित टिप्पणी के बाद से इमरती देवी ने कांग्रेस के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चा खोल दिया है। इमरती देवी मतदाताओं से कह रही हैं हाथ ऐसे साफ करना कि कोरोना दूर हो जाए। डबरा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी इस समय आक्रामक हैं। वे अपने प्रचार और जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस और कमलनाथ पर आक्रमण करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। इमरती देवी ने कहा, कोरोना चल रहा है, इसीलिए 3 तारीख को मतदान जरूर करें और ऐसा हाथ साफ करें कि कोरोना दूर हो जाए। आप तो 3 तारीख को सब वोट डालने जाना पड़ेगा, क्या कोई करोना है अभी नहीं जा रहा है, लेकिन करोना जब ही खत्म होगा, जब हाथ को साफ कर दोगे आप, तो आपका करोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको हाथ ही साफ तो करने हैं, हाथ की सफाई करके कमल का फूल खिलाना है। धन्यवाद जी। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।